Good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 12th history. Class 12th history chapter bricks, beads and bones. In this chapter, today, what we read? We are going to read today the topic decline. My dear student, if you remember in my last class, what I taught you the different hypotheses, different views which was given by archaeologists, historians to the declination of this civilization, end of Indus civilization. Decline of, isko pura sentence kar dijiye, decline of Indus Valley, civilization. Today we will examine the statement which was given by different archaeologists. What they did give? Kya unhone diya? And why? What was the reason behind it? Kya karan tha? And one other last important topic of this chapter. That is the Cunningham confusion. So today two points, two topic which we cover. First, decline of Indus Valley civilization, and second, the topic Cunningham confusion. My dear student, as you know that the decline of Indus Valley civilization, it was also enigmatic problem for the historians, because this civilization was widespread. If you will see the whole Indian continent, then you find out that the very vast area that was acquired by this civilization, ek bada kshetra Sindhu Ghati Sabhyata ke dwara acquired tha, unke dwara आवासित था. तो इतनी बड़ी सभ्यता का पतन सिर्फ एक कारण से हुआ हो, यह संभव नहीं है. इट इज नॉट पॉसिबल दैट ओनली वन रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ द होल सिविलाइजेशन, बिकॉज एज यू नो दैट दिस सिविलाइजेशन वॉज वाइड स्प्रेड थ्रू आउट होल इंडियन कॉन्टिनेंट, फ्रॉम अफगानिस्तान टू उत्तर प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर टू महाराष्ट्र. सो विदाउट एनी डिफिकल्टीज वी कैन से दैट not only one reason behind the decline of Indus Valley civilization, it would be the different region in the different regions, different causes in the different regions. Kai sare alag alag karan rahe honge Sindhu Ghati Sabhyata ke patan ke. Sindhu Ghati Sabhyata ka patan kyun hua, Sindhu Ghati Sabhyata ke patan ke piche ke karan kya kya the, इन चीजों को अगर आप विस्तार से देखें तो आप आसानी से समझ सकते हैं इन सारे पॉइंट्स को जिस पे हमने बात की थी. कुछ पॉइंट्स जिस पे आज हम बात करेंगे, जैसे फर्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें, व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट, क्या कह सकते हैं. अगर आपको याद होगा तो मैंने आपसे कहा था कि प्रशासनिक स्थिरता, एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स, मैंने आपसे कहा था फ्लड, बाढ़, एक्सेस फ्लड, दैट वॉज द मेन रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ दिस सिविलाइजेशन. मैंने आपसे कहा था व्यापारिक गतिरोध, इट मीन्स ट्रेड वॉर डिक्लाइन. मैंने आपसे कहा था फायर, आग. मैंने आपसे कहा था जलवायु परिवर्तन,
क्लाइमेटिक चेंज, रिवर चेंज देयर कोर्स इज ऑल्सो, एंड जियोलॉजिकल चेंजेज यू कैन ऑल्सो इंक्लूड विद दीज पॉइंट्स. ओवर यूजेज ऑफ देयर रिसोर्स, डिफॉरेस्टेशन, पैंडेमिक. तो इन सारे रीजन्स को मैंने आपसे बात की थी, एंड आउटसाइडर अटैक ऑल्सो आई डिस्कस विद यू. तो एक अगर एक एक रीजन को लेके चले, व्हाट आई एम टेलिंग यू, इफ यू विल सी, इफ यू विल व्हाट टेक वन रीजन्स एंड एग्जामिन, देन यू हैव क्लियर कि क्या हुआ होगा. कहता है कि देयर इज एविडेंस दैट बाय 1800 BC मोस्ट ऑफ द मेच्योर हरप्पन साइट्स इन द रीजन्स सच एज चोलिस्तान हैड बीन एबंडन साइमल्टेनियसली. देयर वॉज एन एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन इन टू न्यू सेटलमेंट्स इन गुजरात, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. इन द फ्यू हरप्पन साइट्स दैट कंटिन्यू टू बी ऑक्यूपाइड आफ्टर 1900 BC देयर अपीयर टू हैव बीन अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल कल्चर मार्क्ड बाई द डिसअपियरेंस ऑफ द डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स ऑफ द चोलिस्तान. दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स. ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन इजिली एक्सप्लेन, आप बता सकते हैं. लास्ट क्लास और आज की क्लास को एक साथ अगर आप देखें तो आपके पास एक लंबा सा लेक्चर पॉइंट्स होंगे जिनके आधार पे आप इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख सकते हैं. जैसे ही डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन आए, तुरंत स्टार्ट करिए. इसको आप कई तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं. आप इन चीजों को ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंडस के डिक्लाइन के कारणों को अगर हम ध्यान से देखें तो वी कैन कैटेगराइज इन टू पार्ट्स, एक त्वरित रीजन और एक 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 काफी लंबे समय से चले आ रहे कारण, और फिर उसमें आप इन दोनों पॉइंट्स को एक साथ जोड़ के एक्सप्लेन कर सकते हैं. ये पॉइंट्स आपके लिए बेनिफिशियल होंगे. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. You have to consider about that. Kehta hai, in the few Harappan sites that continued to be occupied after 1900 BC, there appears to have been a transformation of material culture marked by the disappearance of the distinctive artifacts of the civilization. Weight, seal, special beads, writings, long distance trade and craft specialization also disappeared. What I am telling, weight, bat map, seals, jo mohre thi, long distance trade, vyaparik gatirodh, aur phir kehta hai ki writings, script and craft specialization also disappeared. In general form, fewer materials were used to make far fewer things. House constructions technique deteriorated and large building that was not found in the proper form after 1900 BC. My dear student, the large public structures was no longer produced. Overall, artifacts and settlements indicate a ruler way of life in what are called late Harappan or the successor cultures. What brought about these change? The several explanations have been put forwarded. These range from climatic change, deforestation, excessive flood, shifting or drying up of rivers to
ओवर यूज ऑफ द लैंडस्केप, सम ऑफ द काजेस मे होल्ड अप द क्रिएशन सेटलमेंट्स, बट दे डू नॉट एक्सप्लेन द कोलैप्स ऑफ द एंटायर सिविलाइजेशन. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. इवन द डिफरेंट डिफरेंट काजेस यू कैन काउंट, आप इसका नाम ले सकते हैं. कौन कौन से कहता है, क्लियर कहता है कि एक्सेसिव फ्लड, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेटिक चेंज एंड द ओवर यूजेज ऑफ लैंडस्केप, सम ऑफ दीज काजेस मे होल्ड फॉर सर्टेन सेटलमेंट्स बट दे डू नॉट एक्सप्लेन द कोलैप्स ऑफ द एंटायर सिविलाइजेशन. क्या एक रीजन, क्या एक कारण इन सारी इतनी बड़ी सभ्यता के पतन का कारण रही होगी? शायद नहीं. नो माय डियर स्टूडेंट, यहीं पे कहता है व्हाट ब्रॉट अबाउट दीज चेंज. सेवरल एक्सप्लेनेशन हैव बीन पुट फॉरवर्डेड दीज रेंज फ्रॉम द क्लाइमेटिक चेंज, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फ्लड, शिफ्टिंग एंड आर डाइंग अप ऑफ रिवर्स टू ओवर यूजेज ऑफ लैंडस्केप. सम ऑफ दीज काजेस मे होल्ड फॉर सर्टेन सेटलमेंट्स बट दे डू नॉट एक्सप्लेन द कोलैप्स ऑफ द एंटायर सिविलाइजेशन. इट अपीयर्स That is strong unifying elements, perhaps the Harappan state came to an end. This is evidenced by the disappearance of seal, the script, the distinctive breeds. I hope you are understanding what I am saying. My dear student, the pottery, the shift from the standardized weight system to the use of the local weight, and the decline and abandonment of the cities, the subcontinent would have to wait for over a millennium for a new cities to develop in the completely different regions. My dear student, these are the points which you have to think. आपको इसके बारे में सोचना चाहिए. And what I taught you, what I told you again and again, that only one region that was not causes of the decline of this whole civilization. एक कारण कहां तक इस सभ्यता के पतन का कारण रही होगी, कोई एक कारण इस सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी कहां तक रही होगी, ये हम नहीं कह सकते. We cannot say, हम इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते. इट इज द वन ऑफ द डिफिकल्ट point for the archaeologists that how can they prove that only one reason behind the decline of whole civilization. No, it can't be. Aisa nahi ho sakta. John Marshall and the many other scholars, on the basis of evidences available from the sites along the Indus River, felt that this civilization declined due to the environment degradation. The cutting of forest for agricultural land and timber for fuel and over exploitation of resource, etc., resulted in the land to become barren and in the silting of rivers. Due to all this, flood, drought and famine must have become a recurring features which finally led to its decline. My dear student, this was the one of the best explanation, one of the best causes which was given by John Marshall, that the uber uses of their resource, that the environmental degradation, cutting forest and agriculture land, timber for fuel and over exploitation of resource, etc., resulted in the land to become barren and in the silting of river. Due to all this, flood, drought and famine. 3 points: flood,
rat and femine. कहते हैं कि अलग अलग पॉइंट्स ओवर यूजेस ऑफ देयर रिसोर्स एंड द क्लाइमेटिक डिग्रेडेशन क्या होगा, ये आए होंगे और इनसे सभ्यता का विनाश हो गया होगा, सभ्यता नष्ट हो गई होगी. सो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन. कहते हैं ड्यू टू ऑल दिस फ्लड ड्राट एंड फेमाइन मस्ट हैव बिकेम अ रिक्योरिंग फीचर विच फाइनली लेड टू इट्स डिक्लाइन. This statement was given by John Marshall. John Marshall. Okay. In the easy way, you can explain this point. आप आसानी से इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को आप बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं. Second thing, second point, which is important, what? कहते हैं सेकेंड पॉइंट्स में मार्टिमर विलर. मार्टिमर विलर वाज द डिसाइपल ऑफ गॉर्डन चाइल्ड. ही वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन ड्यूरिंग इंपीरियल रूल एंड आफ्टर इंडिपेंडेंट. ही आल्सो लिव्ड इन इंडिया व्हेन इंडिया वाज गोइंग टू फ्री फ्रॉम ब्रिटिशर्स. मार्टिमर विलर एक्सकवेटेड द न्यू साइट अर्कामेडो. He given their whole life for Indian history. So, we should not forget their work. हमें उनके कामों को नहीं भूलना चाहिए. Okay, what they said? Wheeler, who dated the Harappan civilization between 2500 to 1500 BC, opinion that it was destroyed by the barbarians Aryans. Who came to India in about 1500 BC. Later researchers proved that Wheeler's thesis of Aryan being destroyers of the Harappan civilization was myth. That was myth. I mean to say that according to Mortimer Wheeler, the decline of Indus Valley civilization, that was main reason. That would be the Aryans attack. That would be outsider attack. These points also I explained in my previous class. If you have remembered, Mortimer Wheeler ने कहा कि 1500 BC, उन्होंने जो डेटिंग दी 2500 BC to 1500 BC, उन्होंने लास्ट जो 1500 BC कहा इसी 1500 BC पे उन्होंने Aryans attack या barbarians attack की बात की और कहा कि बारबेरियंस आए, उन्होंने अटैक किया और पूरी तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन को नष्ट कर दिया. तो एक सभ्यता के पतन के लिए बारबेरियंस को उत्तरदायी ठहरा रहे थे मार्टिमर विलर. लेटर रिसर्च प्रूव दैट विलर्स थीसिस ऑफ आर्यंस बीइंग डिस्ट्रॉयर्स ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन वाज ए मिथ. इन फैक्ट There is no archaeological or biological evidence for invasion or mass migration from West to Central Asia to the Indus or Saraswati Valley between 5000 and 800 BC. All skeletons found during this period belong to the same group of the people. So, On the basis of the archaeological findings, you can prove, आप इसको प्रूव कर सकते हैं. You can say that the decline of whole Indus Valley civilization that was not decline due to one region. And what Mortimer Wheeler saying? That was not correct. Mortimer Wheeler जो बातें कह रहे थे वो चीजें पूरी क्लियर नहीं थी. कहते कि the Harappan civilization was spread over a large area and the causes of its decline in all regions cannot be found and the same
while in the Saraswati regions its decline mainly due to shifting of river channels along the Indus to decline largely due to the recurring flood. The rainfall decline in the general which affected the agriculture, the main economic resource with the decline in the economic condition, all other institutions, least political condition, the economical condition, trade and the work of artisan, everything is direct or indirect way that is related from the expansion in agriculture, the excess production, surplus production. But after all, what happened? कहता है कि the main economic region resource with a decline in the economic condition, all other institutions like trade and commerce, administrative and the political structures, civic, the amenities, etc. also declined over a period of time. However, it must be emphasized that the Harappan civilization did not disappear suddenly. Archaeological evidence shows that the decline was the gradual and slow, which is witnessed over a period of the almost 600 years from 1900 to 1300 C. My dear student, I had given the different causes of the decline of Indus Valley civilization. We discussed, we studied, हमने पढ़ा कई सारे कारण को. हमने कहा बारबेरियंस अटैक मार्टिमर मिलर के बारे में, बारबेरियंस और आर्यंस अटैक बाय मार्टिमर मिलर. मार्टिमर मिलर के बारे में बारबेरियंस अटैक, फिर फायर डीपी अग्रवाल, डीपी अग्रवाल आल्सो गिवन द वन अदर पॉइंट्स, द ओवर यूजेज ऑफ रिसोर्स. Overuses of resources, that point also given by D.P. Agarwal. Okay, the next point, the climatic change. Climatic change. Climatic change किसके द्वारा? तो कहते हैं climatic change आर इस टाइम. आर्यस्टाइन ने क्लाइमेटिक चेंज के बारे में बात की. क्या कहा आर्यस्टाइन ने? आर्यस्टाइन ही वाज आल्सो ग्रेट हिस्टोरियन. ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ही गिवन अ व्यू दैट द होल इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन दैट वाज डिक्लाइन ड्यू टू द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्लाइमेटिक चेंज. ही फाउंड the embankment in Balochistan, Jhalawan, Sarawan, Garawan, the different sites where he found in the excavation the embankment, and on the basis of that he given their hypothesis ki Balochistan mein Indus Valley civilization ke mature Indus Valley civilization ke samay khub barish hoti thi, 150 cm to 125 cm near about. And on the basis of that, Indus Valley civilization flourished. प्रसिद्ध हुई बड़े क्षेत्र में, और फिर एकाएक पानी बरसना बंद हुआ, क्लाइमेटिक चेंज हुई. मानसून अगर थोड़ा सा भी अक्षांश और देशांतरों में चेंज आए, आई मीन टू से लॉन्गिट्यूड्स एंड लेटिट्यूड्स
डिवीजन में थोड़ा बहुत भी बदलाव होता है, मानसूनों की हवाओं की गतियों में थोड़ा बदलाव होते तो बारिश की मात्रा घटेगी या बढ़ेगी। हुआ भी ऐसा ही बलूचिस्तान में वर्तमान समय में, आज 75 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। तो इससे क्या हुआ, इससे पानी बरसना कम हुआ और फिर उससे जंगल, जंगलों की जो लकड़ियां थी एक्सेस फॉरेस्ट थे, डिफॉरेस्टेशन के थ्रू जो खत्म हो गए वो दोबारा नहीं उग सके, जो घास थी ग्रेजिंग लैंड वो भी समाप्त हो गई और इससे धीरे धीरे सभ्यता का विनाश हो गया होगा। ये बातें आर्नेस्टाइन ने अपने आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के आधार पर कहा। और भी पॉइंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 को लीजिए। व्हाट द जियोलॉजिकल चेंजेस आर रिवर चेंज देयर कोर्स, रिवर चेंज देयर कोर्स। कहता है कि नदियों ने अपने मार्ग को परिवर्तित कर दिया। ये नदियां कौन सी थी और इन नदियों ने मार्ग को परिवर्तित कैसे किया होगा? तो कहते हैं कि अगर आप माइनटली ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की सारी बड़े साइट्स नदियों के किनारे ही स्थित थे, रिवर बैंक के पे ही डेवलप हुए थे। और ये भी सही है, जियोलॉजिकल चेंज के द्वारा ज्योग्राफिकल जो थ्योरीज है उसके अकॉर्डिंग कि नदी हर 50 साल या 100 साल पे, 100 ईयर्स और 15 ईयर्स रिवर चेंज देयर कोर्सेस, नदी अपने मार्ग को बदल देती है। नदियों ने अपने मार्ग को बदला। फाइनेस्ट एग्जांपल लोथल, भोगवा, भोगवा रिवर जो पहले लोथल के समीप से होके बहती थी उसने अपने कोर्स को चेंज कर दिया जिससे लोथल का पोर्ट समुद्र के कनेक्शन से कट गया और फिर वहां पे क्या हुआ, लोथल का पूरा व्यापार जो फॉरेंस होता था वो डिक्लाइन हो गया, समाप्त तो प्राय हो गया। तो ये रिवर चेंजर कोर्सेस को आप काउंट कर सकते हैं। व्यापारिक गतिरोध, डिक्लाइन इन ट्रेड, यू कैन ऑल्सो करेक्ट इट, डिक्लाइन ट्रेड, ये भी दोनों। अब आप इसको मार्टिमर विलर और रिवर चेंज देयर कोर्स इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं MRI। आर्नेस्टाइन, टीएच लैम्ब्री, आरएल राइक्स जैसे विद्वानों ने कहा कि पूरा बदलाव हुआ और इसे सभ्यता पतन की तरफ होने को। तो ये सारी चीजें दीज वर द रीजंस बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये वो कारण थे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के। तो इन चीजों के आधार पे भी आप अपनी बातों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप कि अब आपको डिक्लाइन को एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सो माय डियर स्टूडेंट, लेट अस व्हाट रिमाइंड ऑल पॉइंट्स विच वी रीड विच वी डिस्कस, हम उन चीजों को एक बार फिर पढ़ते हैं जिसको हम लोगों ने देखा, जिस पे हम लोगों ने बातें की। हमने पढ़े कि क्या क्या पॉइंट्स थे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन में। तो पॉइंट वाइज पॉइंट इफ यू विल सी, अगर आप इसको देखें तो आपको कई सारी चीजें दिखेंगी। फर्स्ट पॉइंट व्हाट यू हैव राइट डाउन योर कॉपी इन योर आंसर, फर्स्ट यू हैव टू राइट, आपको लिखना है कि therefore not only one reason behind the decline of Indus Valley civilization as the different archaeologists try to prove. Why? Because आपको यहां पर मैप देना है और मैप के बाद एक्सपेंशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन को शो कर देना है कि 13,19,6,1400 इतने ज्यादा 400 कह रहा है कि 3,96,400 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ क्षेत्र किसी एक कारण से पतन हुआ हो, ऐसा कोई संभव नहीं है। और फिर आपको वन बाय वन अपने
बातों को मजबूती से रखना है, लाइक फ्लड, ड्राट, फेमाइन, एपिडेमिक, के यू आर कैनेडी, जो रशियन हिस्टोरियंस थे उन्होंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण एक पेंडेमिक रहा होगा, महामारी रही होगी, इस महामारी के कारण सिंधु घाटी सभ्यता पतन की ओर उन्मुख हुई होगी। आप पेंडेमिक को भी डाल सकते हैं। आई वॉज ऑल्सो एक्सप्लेन दैट पॉइंट इन माई लास्ट क्लास, इवन टूडे आई विल नॉट डिस्कस दैट पॉइंट। मैं इसको आज वर्णन नहीं करूंगा, नहीं बताऊंगा, क्योंकि इन चीजों पर हमने बात की, हमने आज कुछ पॉइंट्स को एग्जामिन किया। सेकेंड थिंग्स, फिर हमने उसके बाद मार्टिमर विलर के स्टेटमेंट को देखा। मार्टिमर विलर ने कहा कि जो क्या हुआ, एक बादरियंस अटैक हुआ, आर्यंस अटैक हुआ और सिंधु घाटी सभ्यता पतन की ओर उन्मुख हो गई। आर्यंस अटैक, बारबेरियंस अटैक, दैट वॉज द मेन रीजन। बट दिस हाइपोथेसिस, दिस स्टेटमेंट, इट वॉज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेड बाई द मॉडर्न हिस्टोरियंस, बिकॉज we have no evidences that the large migration from Middle East, Asia to India. We have no evidences from 5000 BC to 800 BC, 5000 से लेके 800 ईसा पूर्व के बीच। And as far as the matter of some skeletons, which was pointed out by the Mortimer Willers, that was not in the one time period, एक समय का वो नहीं है। तो इस आधार पे भी हम बातों को काट सकते हैं। फिर हमने फायर पे बात की, ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज पे बात की, रिवर चेंज एयर कोर्सेज पे बात की, एनवायरमेंटल डिग्रेशन पे बात की। आप इन चीजों को भी लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।